हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। या कुंदे तुतुषार हार धवला, या शुभ्रवस्ता वृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा च्युत शंकरा प्रभुति भी देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निशेष जाड्यापहा। हिंदी मिनी हिट हमारे संस्कार, सबको हिंदी में नमस्कार। हिंदी सरल सहज भाषा है, सफलता की परिभाषा है। मैं थान्या जायसवाल आपके समक्ष हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। हिंदी भाषा का भारत भी नहीं अभी तो संपूर्ण विश्व में हिंदी का महत्व है, इसलिए विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। भले ही किसी को और भाषा समझे या न समझे, परंतु हिंदी भाषा जल्दी ही समझ में आ जाती है। हिंदी का जन्म उर्दू अरबी फारसी भाषाओं से हुआ है। हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसका हम जैसे उच्चारण करते हैं वैसे ही लिखते हैं। अतः जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। धन्यवाद। हिंदी मेरी ताकत है, हिंदी एक विरासत है। कोई पूछे वो कैसी है, हिंदी मेरी माँ जैसी है। सबको करती एक समान, हिंदी भाषा बड़ी महान। धन्यवाद। हिंदी जन
संचार का स्पंदन है, हिंदी भारत माँ का वंदन है, देश की ऊंची शान करे हम। प्रभात मित्रों, मैं कुमारी अर्णा राजेंद्र ढंडारे कक्षा तीसरी की छात्रा, मैं आज श्री आशुतोष राणा जी की रचना हे भारत के रामजी को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं वीर रस्य हो ओत प्रोत कविता हे भारत के रामजी को। हे भारत के रामजगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और सो धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। कड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोई सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही, कि जिसकी छोटी सी लपटे से संगीने भी हार गई। गांधी जी, कि जिसकी छोटी से लपटे से संगीने भी हार गई, हिटलर को जीता वे फौज सात समुंदर पार गई, मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लकटी और लंगोटे वाले बापू का अभिमान जगे। प्रभात मेरी प्रिय प्रधान अध्यापिका एवं प्यारे अध्यापक अध्यापिका, मैं लगन मोहनी जयसवाल कक्षा तीसरी डी की छात्रा हूँ। प्रत्येक त्योहार में सभी लोग अपने अपने प्रदेश के लोकगीत एवं लोक नृत्य प्रदर्शन करके आनंद व्यक्त करते हैं। हमारी कक्षा तीसरी डी के बच्चे इस लोक नृत्य के माध्यम से अपनी कला को प्रदर्शन करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखो उड़ी उड़ी जाए।
अचोरों ने एक तरकीब लगाई। पहले अचोर आए, प्रणाम पंडित जी, इस गधे को लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? मूर्ख, यह कोई गधा नहीं है, यह एक बकरी है। क्या पंडित जी, यह गधा है गधा? फिर थोड़ी देर बाद दूसरा चोर आता। प्रणाम पंडित जी, इस घोड़े पर आप चढ़ क्यों नहीं जाते? यह कोई घोड़ा नहीं है, यह एक बकरी है। क्या पंडित जी, यह घोड़ा है घोड़ा? फिर थोड़ी देर बाद तीसरा चोर आता है। प्रणाम पंडित जी, इस कुत्ते को लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? फिर पंडित जी निराश होकर बोले कि क्या तुम्हें यह एक कुत्ता नजर आता है? हाँ हाँ बिल्कुल, यह कुत्ता ही है। फिर पंडित जी को लगा कि यह बकरी कोई मायावी जीव है और वह उसे छोड़कर चले गए और चोरों को बकरी मिल गई। सीख: दूसरों के कहने पर हमें अपना मन नहीं बदलना चाहिए। धन्यवाद। विशेषण: जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण: पृथ्वी गोल है। इस वाक्य में गोल शब्द पृथ्वी की विशेषता को दर्शाता है। यह संतरा नारंगी रंग का है। नारंगी इस वाक्य में विशेषण है। मैं आपको मुहावरे बताने जा रही हूँ। पहला, 9-2-11 होना, भाग जाना। अब चोर पुलिस को आता देख 9-2-11 हो गया। मुहावरा: खुशी से फूलाना समाना और बहुत खुश होना। वाक्य: पिकनिक जाने की बात सुनकर मोहन खुशी से फूलाना समाया। आज मैं आपको मुहावरे बताने वाली हूँ। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना, आंखें बंद करना, सो जाना। थैंक यू। एक बार केजरीवाल तूफान में फंस गया। भागते भागते उसे एक रास्ते पे एक पेड़ मिला। उसने पेड़ को लपेट लिया। जब तूफान शांत हुआ तब केजरीवाल पसीना पोंछते हुए बोला, अगर आज मैं ना होता तो ये पेड़ गिर ही जाता। थैंक यू। वारकरण ऑटो से ट्रैवल कर रहा था। जैसे ही वो ऑटो से निकला, ऑटो नंबर से बोला, साहब 30 रुपए हो गए। और करण ने 15 रुपए निकाल के दे दिए। ऑटो वाले ने बोला, साहब ये तो सिर्फ आधे ही पैसे हैं। करण ने बोला, ओए तू भी तो मेरे साथ ट्रैवल किया ना, आधे पैसे तू दे दे। तो चलिए अब हम त्योहारों के महत्व के बारे में जानते हैं। मानव जीवन अनेक विविधताओं से भरा पड़ा है। त्योहार से हमारे जीवन में परिवर्तन और उल्लास का संचार होता है। त्योहार किसी भी जाति और देश के अतीत से संबंध जोड़ने का बहुत अच्छा साधन है। त्योहार से हमारे जीवन में परस्पर एकता की भावना निर्माण होती है। तो चलिए इन नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा हम देखते हैं कि यह किस प्रकार त्योहारों के महत्व के बारे में बताते हैं। हमारा देश विविध त्योहारों का देश है। वर्ष भर में कई त्योहार मनाए जाते हैं। उनमें से गणेश उत्सव, राखी, होली, दिवाली और नवरात्रि पर्व पर हमारी कक्षा 3 के छात्र छात्राएं नृत्य और कला के माध्यम से सुंदर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। खुशियों का त्योहार है दिवाली में हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, दीप जलाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। सपनों री ये किलकारी रे बनो।
उपवन अभिनंदन करता छाई धका। होली को रंग के त्योहार के रूप में जाना जाता है। यह हमारा सबसे प्यारा त्योहार है। इसे हम हर वर्ष मार्च महीने में बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। बूझो तो जाने टेढ़ी मेढ़ी गली थी, रस से पूरी भरी थी, बोलो क्या? जी हाँ, जलेबी। जो तो जानो बोल सके, जैसे अंडा, खाने में कुछ मीठा कुछ ठंडा, बताओ कौन? जी हाँ, पेड़ा। पूछो तो जाने कटोरे के ऊपर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा,
जवाब क्या? नारियल। नमस्कार, मैं मास्टर वरद कक्षाजी से ड का छात्र आपके समक्ष आभार प्रदर्शन हेतु उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम मैं आभार मानता हूँ हमारे प्राचार्य श्रीमती वंदना बिसेन मैडम का, जिन्होंने इस कार्य को करवाने की अनुमति दी। तत्पश्चात मैं आभार मानता हूँ हमारे कक्षा अध्यापिका श्रीमती सुनीता जोटिया मैडम का, सभी पालकगण तथा कक्षा के छात्र छात्राएं इनका हृदय से आभारी हूँ। मैं आभार मानता हूँ भव्या मैडम का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को तकनीकी गति दी है। मैं सभी का हृदय से आभारी हूँ। अंत में मैं यही कहूँगा कि हमारे छात्र हुए खुश कार्यक्रम में आई बहार में व्यक्त करने आया हूँ। आप सभी का आभार, धन्यवाद। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जा।